क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हो जो बालों में ऑयलिंग करने से डरते हैं और आपसे ये सोचते हो कि ऑयल लगाने के बाद बाल और ज़्यादा गिरने लगेंगे और आपके बाल भी मेरे जैसे एकदम रूखे सूखे बेजान हो चुके हैं, बालों में कोई जान नहीं बची है। करते हैं तो बाल मुट्ठी भर भर के गिर गिर के आते हैं। तो ये आज की रेमेडी फॉलो कर लेने के बाद बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, तो आइए बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रेमेडी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हम बगल में जो बेल आइकन उसको प्रेस जरूर कर दें ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये रेमेडी स्टार्ट करते हैं। तो आज अगर आप ये 4 स्टेप फॉलो कर लेते हैं तो आपके बाल भी बहुत अच्छे हो जाएंगे और किसी स्पा से कम नहीं होंगे। तो क्या करना है, 2 टेबल स्पून के बराबर मैं आलमंड ऑयल ले रही हूँ। मैं अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग आलमंड ऑयल ले रही हूँ 2 टेबल स्पून। आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा क्वांटिटी को कर सकते हैं। तो मैंने आलमंड ऑयल लिया है, आप चाहे तो जो बादाम ऑयल आता है उसको भी ले सकते हैं इसकी जगह पे। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, सेकेंड इंग्रेडिएंट जो है वो है इसेंशियल ऑयल, रोजमेरी का इसेंशियल ऑयल। उसके भी कुछ ड्रॉप्स इसमें हम डाल देंगे। और इसेंशियल ऑयल को डायरेक्टली कभी भी बालों पर अप्लाई नहीं करना चाहिए, इसको डाइल्यूट करके ही हमेशा बालों पर अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको अलग से इसेंशियल ऑयल पर वीडियो चाहिए तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप कमेंट करके बताइएगा। तो फिर ड्रॉप्स उसके डाल देंगे इसमें हम 3 से 4 ड्रॉप, और इसको क्या करेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी तो गर्मी का सीज़न आ रहा है तो इसको मेल्ट करने की भी आवश्यकता नहीं है, इसको आप गर्म पानी में डबल बॉयलर मेथड से भी बॉयल करने की आवश्यकता नहीं, इसको आप डायरेक्टली बालों पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्टेप्स आप फॉलो करेंगे उसके बाद अप्लाई करिएगा। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, स्टेप नंबर 1 है जो बालों को कोई भी रेमेडी लगाने से पहले किसी मोटे दांत वाले कंघे से बालों को डिटेंगल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये भी रेमेडी का एक पार्ट होता है और बालों को अच्छा रखने का एक पार्ट होता है। तो कोई भी रेमेडी आप बालों पर लगाइए, कभी भी ऑयलिंग करिए, बालों में पहले डिटेंगल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि रेमेडी बालों में अच्छे से लगती है और बाल काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, बालों में फंसता नहीं है रेमेडी। या फिर नॉर्मल ऑयलिंग आप कर रहे हो तब भी कुछ भी बालों में फंसता नहीं है। तो ऑयलिंग आपने कर लिया है तो क्या करना है, इसके बाद रेमेडी को आपको केवल रूट्स पे नहीं अप्लाई करना है, इसको लेंथ पे भी अप्लाई करना है। लेकिन रूट्स पे, पूरे रूट्स पे अच्छे से अप्लाई करिएगा। आप फिंगर टिप के हेल्प से लगाइए, कॉटन बॉल के हेल्प से लगाइए, जैसे भी आप लगा पाएँ वैसे पूरे जड़ों में अच्छे से लगाइए, क्योंकि जड़ों से ही बालों को मजबूती मिलती है और बाल काफ़ी अच्छे होते हैं। और इसको वीक में कम से कम 2 बार लगाइए, इसको पूरे रूट्स पे अच्छे से अप्लाई करिए, इसी तरीके से अप्लाई कर लीजिए। और वीक में अगर आप 2 बार लगाते हैं और साथ ही साथ सीजनल फ्रूट्स और सब्जियां अगर खा रहे हैं इंटरनली, अगर आप हेल्दी हैं तो एक्सटर्नली आप अपने बालों के लिए थोड़ा भी कुछ करते हैं ना, तो आपके बालों के लिए वो ज़्यादा ही असर करता है, ज़्यादा ही अच्छा काम करता है बालों को अच्छा बनाने के लिए। कोई भी हेयर ऑयल जब भी आप अपने बालों में लगाते हैं तो यह ध्यान, इन 4 स्टेप का अगर फॉलो करके अपने बालों में लगा रहे हैं तो यकीन मानिए आपको पार्लर जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके बाल इतने अच्छे हो जाएंगे, बालों का गिरना तो कम ही होगा, साथ ही साथ बाल बहुत ही बेहतर हो जाएंगे, सॉफ्ट सिल्की शाइनी तो होंगे ही, साथ ही साथ हेयर ग्रोथ भी प्रमोट हो जाएगा। सेकेंड स्टेप जो है ये बहुत कंपलसरी है, बालों में मसाज करना। कुछ लोगों का ये मानना है कि बालों में मसाज नहीं करना चाहिए, उससे बाल और ज़्यादा गिरते हैं, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बाल कभी ज़्यादा नहीं गिरते हैं। हाँ, अगर आप जेंटली प्यार से अपने बालों को अच्छे से मसाज कर रहे हैं, इसी तरीके से अगर कर रहे हैं तो बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। और मसाज करना बहुत ही ज़रूरी होता है, बालों में हीट मिलना बहुत ज़रूरी होता है, फिंगर से जब बालों को हीट मिलती है तो बालों का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो बाल और ज़्यादा बढ़ने लगते हैं और ज़्यादा हेयर ग्रोथ प्रमोट हो जाता है। तो बस इस तरीके से पूरे बालों में अप्लाई कर लेना है। 3rd स्टेप जो है वो आपको क्या करना है, बालों में अप्लाई करने के बाद लेंथ में भी अप्लाई कर लेना है। और पूरे लेंथ में भी क्या होता है कि अगर आपको स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम होती है, अगर लेंथ में आप बिल्कुल केयर ही नहीं करते, आपने सिर्फ फ्रूट्स पे ऑयलिंग कर ली, लेंथ पे आपने लगाया नहीं, तो लेंथ पे भी प्रॉपर ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पूरे शरीर को जैसे भोजन की आवश्यकता है उसी तरीके से पूरे बालों के भोजन की आवश्यकता होती है। तो बस लेंथ पे भी अच्छे से अप्लाई कर लेना है, बहुत अच्छे से अप्लाई कर लेना है। और देखिए मैंने पूरे बालों में अच्छे से अप्लाई कर लिया है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक स्टेप और फॉलो करना है, उसको 3rd स्टेप कहते हैं। और उसकी जगह जो स्टेप मैं फॉलो कर रही हूँ, अगर वो चीज़ आपके पास नहीं है तो उसकी जगह आप दूसरी चीज़ भी ले सकते हैं, मैं बात करूँगी उसके बारे में। तो आप एक ऐसे भाप वाली मशीन ले लीजिए और उसे क्या करना है, अपने बालों में हल्का हल्का भाप देना है। और इसको बहुत ज़्यादा रेगुलर मत करिएगा, इसको जब भी आप करेंगे महीने में 1 बार कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास ये नहीं है, तो आप क्या करें कि आप गर्म कपड़ा, गर्म पानी में टॉवल भिगा के उससे अपने बालों में रैप करके आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, वो भी आपके बालों के लिए बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देगा और आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। तो क्या करना है, 4th स्टेप में अपने बालों को बंद बनाइए और बस इसे ऐसे छोड़ दीजिए पूरी नाइट के लिए, और ओवर नाइट रखिए इसको। अब टाइम नहीं है तो 1-2 घंटे भी रख सकते हैं,
बस मैंने बन बना लिया। आप किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लीजिएगा, आपको इतना बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा अगर आप इसको फॉलो करते हो, बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलने वाला है। लेकिन वहाँ वाला जो प्रोसेस मैंने बताया उसको मंथ में सिर्फ आपको एक बार करना है, लेकिन अगर आप गीले टॉवल का यूज़ कर रहे हैं गर्म पानी में तो उसको आप वीक में दो बार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बाल आपके पहले से काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। और अगर रेमेडी थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो ये सारे स्टेप्स आप रेगुलर बेसिस फॉलो करोगे तो आपको ज़रूरी बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है। तो कैसा लगा ये रेमेडी आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।